फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉन्स्टर नेक्स्ट डोर एपिसोड 6 के स्पॉइलर के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डिया ने गॉड को एक्सेप्ट कर लिया था और वो गॉड को अपने साथ एग्जीबिशन में जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए गॉड खुशी खुशी राजी हो जाता है। तो जैसे कि गॉड और डिया पहली बार एक साथ बाहर गए थे, इसलिए गॉड डिया से फोटो क्लिक करने को पूछता है, जिसके लिए डिया भी राजी हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं। जिसके बाद एपिसोड 6 के ट्रेलर के हिसाब से हम डिया और गॉड को एक ही रूम में देखते हैं। तो शायद ये गॉड का रूम हो सकता है या फिर कोई होटल रूम हो सकता है जहाँ पर डिया और गॉड एक साथ थे। और यहाँ पर हम डिया और गॉड के बीच में बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता देखते है, क्योंकि यहाँ पर जब गॉड नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है तभी डिया बेड पर बैठा हुआ था। तो गॉड आकर बेड पर बैठकर अपनी हेड को शेक करके अपने गीले बालों से पानी स्प्रेड करने लगता है, जिसको देखकर डिया अपने उंगलियों से गॉड के चिन पर गुदगुदी करके उससे कहता है, तुम बिल्कुल पपी की तरह दिख रहे हो, जैसे एक पपी अपने सर को शेक करता है। तो डिया का ऐसा प्लेफुल बिहेवियर देख कर गॉड बहुत ही खुश होता है। फिर हम देखते हैं डिया और गॉड एक ही बेड पर सोए हुए थे। तो गॉड डिया से कहता है, मैं तुम्हें पपी की तरह दिखता हूँ, तो क्या तुम्हें किसी पपी ने काटा है कभी भी? अब गॉड की ये बात सुनकर डिया थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी गॉड डिया के करीब आकर उसको गुदगुदी करने लगता है और ये सब करते हुए दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और इस वजह से उनकी दिल की धड़कन भी बढ़ जाता है। पर यहाँ पर शायद उन दोनों में कोई किस नहीं होता और गॉड के ऐसे क्यूट जेस्चर से डिया भी बहुत ही खुश होता है और वो भी मुस्कुराने लगता है। तो जैसे कि अभी गॉड और डिया एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वो दोनों एक साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, क्योंकि गॉड हमेशा डिया से पूछता रहता है कि क्या डिया कहीं पर जाना चाहता है। फिर हम देखते हैं डिया स्कूल में किसी से टकरा जाता है, जिससे शायद डिया का हेडफोन खराब हो जाता है, जिस वजह से उसे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। और एक गाड़ी को हम जोर से डियाओ की तरफ आते हुए देखते हैं। इधर गॉड को किसी से पता चलता है कि स्कूल के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है। तो गॉड उस लड़के से उस एक्सीडेंट वाले बॉय के बारे में पूछता है, जो कि बिल्कुल डियाओ की तरह ही बताता है। अब ये सब सुनकर गॉड परेशान हो जाता है और वो डियाओ को फोन करता है, पर डियाओ गॉड का फोन रिसीव नहीं कर रहा था, इसीलिए गॉड और ज्यादा डर जाता है और जल्दी से डिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। तो आपको क्या लगता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वही डिया है? ओके गाइस, आज के स्पॉइलर में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।